Hello everyone, let's start with question number 9. It says area of two sectors of two different circles with equal corresponding arc length are equal. So, सबसे पहले जो given condition है वो ये है कि हमारे पास दो circles हैं और उनकी जो arc length है वो equal है. So, सबसे पहले we will write the formula on the basis of what we have here, that is theta 1 over 360 into 2 pi r1. Again for L2 we will write theta 2 over 360 into 2 pi r2. Now we know that L1 is equal to L2. So let's see what we can get from this equation. So L1 is theta 1 over 360 into 2 pi r1 or L2 kya ho jayega aapka theta 2 over 360 into 2 pi r2. So 2 pi se 2 pi cancel, 360 se 360 cancel. So you are left with theta 1 r1 is equal to theta 2 r2. क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ था कि थीटा सेम है या रेडियस दोनों सर्कल्स का सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं था. अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ टू सेक्टर्स. सेक्टर्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. सो एरिया ए वन एंड आई विल टेक एरिया टू एज ए टू. सो ए वन कितना हो जाएगा आपका थीटा वन ओवर 360 इंटू पाई आर वन स्क्वायर. सिमिलरली फॉर ए टू वी हैव थीटा टू इंटू ओवर 360 इंटू पाई आर टू स्क्वायर. सो अब इन दोनों का रेशियो लेंगे ए वन और ए टू का और चेक करेंगे क्या हमारा रेडियस सेम आता है या नहीं आता. सो वी हैव थीटा वन ओवर 360 एंड वी हैव पाई आर वन स्क्वायर. Similarly for A2 we have theta 2 over 360 into pi r2 square. Pi से pi cancel हो जाएगा, 360 से 360 cancel हो जाएगा. So you are left with theta r1 square over theta r2 square. अब theta 1 r1 और theta r2 की value तो same ही है, मतलब उन्होंने हमने verify किया था कि L1 और L2 को equal रख के, तो हमें पता चला कि theta r1 और theta 2R2 की वैल्यू सेम. अब इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, थीटा आर वन आर वन थीटा आर टू आर टू. सो ये जो चीज है आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी बिकॉज दे आर इक्वल, कैंसिल आउट आर वन ओवर आर टू. आगे जो हमारी इक्वेशन आई है वो ये आई है कि एरिया वन ओवर एरिया टू इज इक्वल टू आर वन ओवर आर टू. इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर तभी इक्वल होंगे जब हमारा आर वन और आर टू सेम होगा. अगर आर वन और आर टू सेम होता तो हमारे पास ए वन इज इक्वल टू ए टू आ जाता, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल हो जाते. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ से हमें समझ आता है कि अगर हमारे दो सेक्टर्स के या दो सर्कल्स के रेडियस इक्वल होता तभी हमारा एरिया भी इक्वल हो सकता था. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि हमें एरिया वन ओवर एरिया टू क्या मिला है, R1 over R2. Thank you for watching. Have a great day.